أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. एक बादशाह अपनी जवान बेटी की शादी को लेकर बहुत फ़िक्रमंद था। वो बरसों से नेक और आबादगुज़ार दामाद की तलाश में था। एक दिन उसने अपने वज़ीर को बुलाया और कहा कि किसी तरह मेरी बेटी के लिए मेरी राया में से आबादगुज़ार इंसान को तलाश करके मेरे सामने पेश करो। वज़ीर ने अपनी फौज को शहर की जामिया मस्जिद के गिर्द तैनात कर दिया और कहा कि छुपकर देखते रहो, जो शख्स आधी रात मस्जिद में दाखिल होगा उसे निकलने मत देना जब तक मैं ना आ जाऊं। ऐन उसी वक्त एक चोर चोरी करने के इरादे से घर से बाहर निकला और दिल ही दिल में सोचा क्यों ना आज शहर की जामिया मस्जिद में जाकर चोरी की जाए और वहां से मस्जिद का कीमती सामान चुराया जाए। तो चोर जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुआ, मस्जिद की इंतज़ामिया ने चोर से बेखबर होकर मस्जिद को बाहर से ताला लगा दिया और अपने घरों को चले गए। फौजी दस्तों ने वज़ीर को इत्तला दी कि लगता है कोई इबादत गुजार आया है, मगर मस्जिद को ताला लग चुका है। अब सुबह की अजान पर ही मस्जिद खुलेगी तो पता चलेगा कि कौन है। वज़ीर जल्दी से मस्जिद पहुंचा और सुबह की अजान का शिद्दत से इंतज़ार करने लगा ताकि अंदर मौजूद नेक इंसान को बादशाह के सामने हाज़र किया जा सके। जैसे ही मस्जिद खुली, वज़ीर दस्ते समेत अंदर दाखिल हुआ। चोर ये देखकर घबरा गया कि आज तो मैं पकड़ा गया, और वो जल्दी से नमाज की नियत बांध ली। जो ही सलाम फेरता फौरन खड़ा होकर दोबारा नियत बांध लेता। वज़ीर को उसकी इबादत गुजारी पर यकीन आ गया। जो ही सलाम फेरा, फौजी दस्ते ने इस चोर को पकड़ा और बादशाह के सामने पेश किया। वज़ीर ने कहा, बादशाह सलामत, ये है आपका मतलूबा शख्स, इसे मस्जिद से गिरफ़्तार किया है। रात भर मस्जिद में इबादत करता रहा है। बादशाह चोर से मुखातब होकर कहने लगा, क्या ख़्याल है अगर मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करके तुम्हें अपनी सल्तनत का वली अहद मुकर्रर कर दूँ, क्या तुम्हें मंजूर है? चोर हक्का बक्का होकर देखने लगा। डरते डरते पूछा, आली जा, ये करम नवाजी किस वजह से है? बादशाह ने कहा कि तुम इबादत गुजार हो, रात भर मस्जिद में रहे, सुबह अजान होने पर बाहर आए। तो चोर दिल ही दिल में सोचने लगा, ऐ अल्लाह, मैं चोरी की नीयत से ही सही मगर तेरे घर गया, दिखावे की नीयत से ही सही मैंने नमाज अदा की और बदले में तूने दुनिया मेरे कदमों में डाल दी। अगर मैं सचमुच इबादत गुजार होता और रातों को तहज्जुद पढ़ा करता तो फिर तेरा इनाम क्या होता? उस चोर ने वहीं खड़े खड़े होकर नादाम होकर दिल ही दिल में अपने अल्लाह से सच्ची तौबा की।